बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नीना जेम्स में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जिस ख्वाब की ताबीर मैं आपको बताऊंगी वो है ख्वाब में चॉकलेट देखना। हम ख्वाब में चॉकलेट मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं, जैसा कि ख्वाब में चॉकलेट खाना या चॉकलेट देखना, ख्वाब में चॉकलेट किसी को गिफ्ट देना या किसी से गिफ्ट लेना। इन सब की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। तो आए चलते हैं अपनी ताबीर की तरफ। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो बहुत सी चॉकलेट देख रहा है, तो ये इस बात की दलील है कि इसको जो भी मकसद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, या वो कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है, इसमें इसको कोई रुकावट आ रही है, इसको किसी परेशानी का सामना है। ख्वाब में अगर कोई शख्स देखे कि वो चॉकलेट खा रहा है, तो ये इस बात की दलील है कि इसके हालात बेहतरीन होने वाले हैं, इसका वक्त बेहतरीन होने वाला है। जो भी इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ या मुश्किलात थीं, इनका ख़त्म होने का वक्त आ गया है। बेहतरीन रोज़गार मिलने या रोज़गार में बरकत होने की अलामत है। यह बहुत अच्छी ख्वाब साबित होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी को चॉकलेट गिफ्ट दे रहा है, यानी किसी को चॉकलेट दे रहा है, तो ये ज़कात देने, खैरात देने, हदिया देने या सदका देने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसको चॉकलेट गिफ्ट मिल रहा है, यानी कोई उसको चॉकलेट ख्वाब में दे रहा है, तो ये खुशखबरी मिलने की अलामत है। अगर वो कुंवारा है तो शादी होने की दलील है। ख्वाब में चॉकलेट किसी से लेना खुशी का बायस भी होता है। ये थी हमारी आज की ख्वाब और उसकी ताबीर। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बताई हुई ताबीर आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर के बारे में जानना चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।